उदयपुर संभाग से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, प्रतापनगर थाना पुलिस ने दुपहिया वाहन चोर गैंग का किया खुलासा। 20 मोटरसाइकिल हुई जब्त, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भिलवाड़ा की हैं मोटरसाइकिलें। घटना में संलिप्त एक अभियुक्त गिरफ्तार, एक बाल अपचारी डिटेन और 2 अभियुक्त फरार। जी हाँ, आपको बता दें उदयपुर की प्रतापनगर थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, वाहन चोर गैंग का खुलासा किया है, जिसके तहत आपको बता दें कि दिनांक 7/9/2023 को प्राथी श्री लोगल लाल पुत्र श्री गंगा बेल निवासी बेंसरा कला थाना डबोक उदयपुर ने प्रतापनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह पटेल मार्बल के यहाँ गया था, जब लौटा तो उसकी मोटरसाइकिल नहीं मिली। इस संबंध में उसने रिपोर्ट प्रतापनगर थाने पर दर्ज कराई। घटना की गंभीरता को देखते हुए उदयपुर के SP भुवन भूषण यादव द्वारा एक पुलिस टीम का गठन किया गया, जिसमें अनंत कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर तथा शिप्रा राजावत पुलिस उप अधीक्षक वृत्त के सुपरविजन में हिमांशु सिंह राजावत द्वारा टीम का गठन किया जाकर आपराधिक आसूचना व मुखबिर तंत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार दौराने अनुसंधान टीम द्वारा मामला हाजा की घटना में संलिप्त अभियुक्त अनिल डांगी पुत्र दल्लाजी डांगी उम्र 19 वर्ष निवासी ओडी नांदवेल पुलिस थाना डबोक उदयपुर तथा एक बाल अपचारी को मामला हाजा में चोरी की गई मोटरसाइकिल के साथ डिटेन किया गया है। दोनों से पूछताछ की गई तो पूछताछ में दोनों ने अपने अन्य 2 साथियों जीतू झाट तथा खीमा जोगी कालबिले के साथ मिलकर जिला राजसमंद भिलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ तथा उदयपुर शहर के अलग अलग स्थानों से कुल 20 मोटरसाइकिल चोरी करना स्वीकार किया है। अभियुक्त अनिल डांगी व बालचारी की निशानदेही से उक्त दोनों द्वारा अपने अपने अन्य 2 साथी जीतू जाट और खीमा जोगी कालबिले के साथ मिलकर चोरी की गई 20 मोटरसाइकिल पुलिस द्वारा जब्त की गई है। अभियुक्त के साथियों की तलाश की गई है, दोनों अपने निवास स्थान से फरार हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि अभियुक्त अपने साथियों के साथ मिलकर इस आसपास के शहरों भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, नाथद्वारा तथा उदयपुर शहर से 2-2 टीमें बनाकर मोटरसाइकिल चोरी कर ले जाते थे। उक्त सभी मोटरसाइकिल को प्रतापनगर थाना क्षेत्र के सुनसान क्षेत्र में छुपा देते थे तथा मोटरसाइकिल इकट्ठी होने पर अभियुक्त द्वारा मोटरसाइकिल अलग ग्राहकों को बेचने का प्लान था। इनमें से एक साथी जीतू जाट के मुंबई की तरफ ले जाने व अन्य क्षेत्रों में वाहन बेचने की घटना को अंजाम देने वाले थे। इससे पूर्व प्रतापनगर थाना पुलिस ने वाहन चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया। उदयपुर शहर में और उदयपुर जिले के अंदर जो मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें हो रही थी, उसके अंदर एक मोटरसाइकिल चोरी की वारदात डबोक थाने पर दर्ज हुई। थाने पर जब दर्ज हुई तो टीम बनाएगी, उस टीम के अंदर एडिशनल SP साहब सिटी अनंत कुमार जी, जो CO ईस्ट हैं, और SHO प्रतापनगर, इन्होंने एक टीम गठित करी उनके निर्देशन के अंदर। उस टीम ने कार्रवाई करते हुए अनिल डांगी और एक नाबालिग को दस्तयाब किया। उनकी जब पूछताछ करी गई विस्तृत, तो उस पूछताछ के अंदर उन्होंने अलग अलग शहरों जैसे भीलवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद, नाथद्वारा, उदयपुर शहर और आसपास के इलाकों से करीब 20 मोटरसाइकिलों का उन्होंने अभी तक खुलासा किया है कि उन्होंने चोरी करी। इनकी टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन 20 मोटरसाइकिलों को उन्होंने बरामद कर लिया है और आगे इसकी पूछताछ जारी है। इनकी गैंग में 2 अन्य व्यक्ति और थे, अनिल डांगी और एक नाबालिग के अलावा, वो जीतू जाट और खीमा जोगी कालबेलिया, वो अभी फरार है। उनकी भी तलाश की जा रही है, उनके मिलने के बाद अन्य वारदातों का भी हो सकता है और अभी इसमें खुलासा नहीं। सर, नाबालिग की किस तरह से भूमिका थी इसमें? वो क्या बेसिकली उनकी गैंग थी, तो इन्होंने मॉडस फ्रेंड इनका ऐसा था कि 2-2 या 3-3 के उस ग्रुप में जाते थे और जाने के बाद में जैसे कोई खड़ी हुई मोटरसाइकिल दिखाई दी, इनको लगता था कि अभी मालिक इसका नहीं आएगा, तो उसको ये जैसे मास्टर की का भी इस्तेमाल करते थे, जो पैर के झटके से तोड़ते हैं वो भी, और फिर ये जो उसके अंदर आपका तार होते हैं उन तारों ज्वाइंट करके स्टार्ट करके आसपास की जगहों पे ले जाकर कहीं सुनसान में खड़ा कर देते थे और तलाश कर रहे थे कि भविष्य में कोई पार्टी मिलती है तो एक एक करके मोटरसाइकिल को बेचे। उससे पहले ही इनकी टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 20 मोटरसाइकिलें इसे बरामद करी हैं और अन्य कोई वारदात की होंगी उसकी पूछताछ इनसे जारी है। इनके खिलाफ इनके खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी इनके खिलाफ अभी तो मिला नहीं है, क्योंकि जो उम्र है जो अनिल डांगी है उसकी भी 19 वर्ष है, एक नाबालिग है, और जो दो बाकी है उनकी उम्र का भी अंदाजा नहीं, पर वो भी इसके आसपास की होनी चाहिए। तो अभी चूंकि ये जस्ट इस प्रोफेशन में आए ही होंगे तो इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। किस लिए चोरी करने लगती इतनी कम उम्र में कुछ पता करना? पैसा चोरी का या किसी प्रॉपर्टी ऑफेंस का एक ही चीज़ होती है कि क्विक मनी, बिना मेहनत के अगर थोड़ी सी मेहनत के अंदर आपको अच्छा पैसा मिल जाता है तो वही इनका एक लालच होता है।